You'll see the difference now. If we change it, you'll know how. Nothing ever stays the same. Once you let it change. Hey, good morning, Bolti Public. एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज है मंडे, इस हफ्ते का पहला दिन। वैसे हमारा ये हफ्ता ऑलरेडी बहुत अच्छी तरीके से शुरू हुआ है, क्योंकि पिछले हफ्ते हमने 2 माइलस्टोन अचीव किए, 777 सब्सक्राइबर्स के और 800 सब्सक्राइबर्स के। तो हम ऑलरेडी बहुत खुश है और ये हफ्ता ऑलरेडी बहुत अच्छे नोट पे शुरू हो रहा है, क्योंकि 2 माइलस्टोन एक हफ्ते में इससे पहले हमने कभी अचीव नहीं किए थे। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे लिए, ये आपकी वजह से हुआ, तो थैंक यू। और चलो इसी नोट पे वीडियो शुरू करते हैं, दिन शुरू करते हैं। लेट्स गो डाउन, ब्रेकफास्ट करते हैं। A few moments later, जस्ट वापस ऊपर आया ब्रेकफास्ट छोड़ के, क्योंकि एक फोटो भेजना था पापा को। आधे घंटे पहले से फोन आया था और मेरे को याद भी था सिर्फ 5 मिनट तक, और बाद में मैं भूल गया। तो अब जल्दी जल्दी मैं ऊपर आया फोटो भेजने के लिए, अभी वो फोटो भेज दिया है। अब एक कॉल आएगा कंफर्मेशन के लिए, तो वो कॉल उठा के फिर नीचे जाऊंगा, ब्रेकफास्ट करूंगा। हाँ, ओके। सनी, ये बॉल मुझे दे दे, इसे मैं खेलूंगा और इसको मैं काटूंगा और खाऊंगा। नहीं मिलेगा। 2 बज गए। बहुत ज्यादा लेट हो गया, इतना लेट मैं कभी टंकी भरता नहीं हूँ, पर आज भरनी पड़ रही है क्योंकि मैंने अभी तक भरी नहीं। क्योंकि आज राजेश ऑफिशियली ग्रेजुएट होने वाला है, डिग्री मिलने वाली है, और आज उसका शायद कुछ, हाँ आज उसका कॉन्वोकेशन है, ये वर्ड भी मैंने पहली बार सुना। तो राजेश को आज डिग्री मिलने वाली है, मिल गई होगी आई गेस अभी तक, तो राजेश अभी तक ग्रेजुएट हो चुका होगा। नॉर्मल कैडबरी है, बस शेप थोड़ा सा अलग है, और उसी शेप की वजह से नाम थोड़ा अलग है, फ्लेवर भी थोड़ा अलग आ रहा। दांत जाए पर चॉकलेट ना जाए। तो ये सब है इस चीज की खुशी में, डिग्री में आज हम ग्रेजुएट हुए हैं, बहुत बड़ी बात है। मेहनत की है तो पास तो हो गई। मेहनत नहीं करी है, मेरे दोस्तों ने मेरे पीछे मेरे से ज्यादा मेहनत करी है, टू बी ऑनेस्ट। अगर आप मेरे को फॉलो, उन्होंने ही मेहनत करी है इसीलिए पास हुआ। मैंने ऐसा तो बोला ही नहीं कि राजेश ने मेहनत की है। थैंक्स फ्रेंड्स। और वैसे आज उन्होंने बताया मुझे कि वो भी हमारे ब्लॉग्स देखते हैं। थैंक्स इन केस यू आर वाचिंग, थैंक यू फॉर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ऑलमोस्ट 1000 दिन। 1000 दिन तक मैंने खुद शायद ही कोई काम करा होगा, मतलब क्रिकेट मैच के लिए मैं खुद उठ के चला गया, क्रिकेट प्रैक्टिस के लिए मैं खुद उठ के चला गया, और क्रिकेट सिलेक्शन के लिए मैं खुद उठ के चला गया। मेरे बाकी कामों में मेरे फ्रेंड्स ने ही मेरे को मदद की है, प्रोजेक्ट देना, असाइनमेंट देना, ये टेस्ट देना, वो टेस्ट देना, ये एग्जाम का सिलेबस, ये एग्जाम का तैयार, जो भी, मतलब आप जितनी चीज़ें सोच सकते हो उतनी चीज़ों में मेरे को मदद मिली है, और तभी जाके ये कॉलेज का पूरा फेज मैंने क्रॉस करा है। मतलब मेरे को बार बार हमारे स्पोर्ट्स कोच भी बोलते थे कि तू पढ़ाई पे ध्यान दिया कर, तू ये किया कर, तू वो किया कर, तो मैं एकदम चिल हो गया, यार टेंशन ना लो, मेरे पीछे 6-8 लोगों का हाथ है, आपको नहीं पता। तो उस चीज में मैं काफी निश्चिंत रहता था कि मेरे को कैसे सारी चीज़ें संभालनी, क्योंकि एक्चुअल में मेरे को संभालनी नहीं होती थी, मेरे को चीज़ें पता चल जाती थी मेरे फ्रेंड्स के थ्रू, और फिर वो चीज़ें मैं अकॉर्डिंगली कर लेता था। तो हाँ, वैसे मेरे फ्रेंड्स ने काफ़ी ज़्यादा मेहनत करी है, पर पेपर मैंने ही लिखा है, और जो भी सारी चीज़ें उनसे मैं सुनता था वो फॉलो मैंने करी है, तब जाके हुई है। तो आई एम अ गुड लिसनर एंड आई एम अ गुड डूअर ऑल्सो, है ना, ये तो मानना पड़ेगा। अभी इतना क्रेडिट मैं ले सकता हूँ अपने डिग्री के लिए। बट देन एनीवेज गाइज, आज एक बहुत ही, मतलब वो बोलते हैं ना कि मेरे को पता था कि ऑब्वियसली हम ग्रेजुएट हो चुके हैं, रिजल्ट कब का आ चुका है, सबको पता है, पर ये चीज़ जब हाथ में आती है ना, इसके अंदर मेरी डिग्री है। अभी मैं खोल बोल के नहीं बताऊंगा, इंस्टाग्राम पे खोल के मैंने फोटो डाला हुआ है, तो अगर आप देखना चाहते हो तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे जाके देख सकते हो। तो हाँ, जब ये चीज़ हाथ में आती है तब फीलिंग पूरी अलग ही होती है, आप कोई चीज़ से उसको कंपेयर नहीं कर सकते कि
हाँ चलो पता ही था पास हो गए और ऐसा सब। जब मैं ऑफिस वापस आया तब मेरे को रियलाइज हुआ, क्योंकि जो भैया लोग बैठे थे, जो लोग ऑलरेडी ये सारी चीजें कर चुके हैं, वो मेरे लिए इतने एक्साइटेड थे जितना मैं नहीं था। फिर मेरे को एक्चुअल में एक हिट मिली कि हाँ भाई ये हो गया है, तू एक्चुअल में एक अचीवमेंट लेके आया अपने हाथ में। और बाजू के केबिन से भैया लोग आ रहे हैं, मुझे कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं, अरे वाह राजू क्या तू कमाल कर दिया ऐसा ऐसा करके। मैं क्या कि ग्रेजुएट ही तो हुआ हूँ और तो क्या। पर नहीं, जो हमारे केबिन में मेरे कलीग थे उन सब ने कॉन्ग्रेचुलेट किया, जो हमारे कलीग पहले थे उन्होंने भी कॉन्ग्रेचुलेट किया। तो ऑल इन ऑल बहुत ही अच्छा दिन था आज का। आज मैं ऑफिस से ही डिग्री लेने यूनिवर्सिटी गया था, मजा आया हम लोग को। जो हम सारे फ्रेंड्स साथ में गए थे, मतलब ऑलमोस्ट सारे फ्रेंड्स साथ में गए थे, कुछ हमारे फ्रेंड्स हमसे पहले शायद डिग्री लेके चले गए थे, पर हम मोस्टली लोग साथ में गए थे। मेरे को बहुत सारे अपने जान पहचान के लोग मिले वहाँ पे, कुछ मेरे स्कूल टाइम के क्लासमेट्स थे, कुछ लोग को जिनको मैं बाहर से जानता हूँ उनको भी मैं वहाँ पे देख रहा था, कुछ मेरे कॉलेज में जो थे बहुत सारे लोग को मतलब मैंने देखा। और आज इतने सारे लोग को देखे ना, मतलब बड़ा अच्छा लगता है कि हाँ यार हर रोज आप ऑफिस में उन्हीं लोगों को देखते हो, घर पे उन्हीं लोगों को देखते हो, तो इतने सारे लोगों को देखकर एक अलग ही फील आती है। तो वो आज आई थी, बहुत सारे लोग थे, लॉ के स्टूडेंट्स तो पूरे ब्लैक एंड व्हाइट पहन के आए थे वहां पर, मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स थे, बहुत सारे। और जब मैं डिग्री लेके ऑफिस में आया तो एक भैया ने मेरे को बोला कि तू डिग्री के साथ ना कुछ मीठा लेके चला जा घर पे, केक वगैरह लेके चला जा। तो मैं क्या कि आइडिया अच्छा है भाई। फिर मैंने क्या किया कि केक वगैरह तो हम मुश्किल से बर्थडे पे भी लेके आते, तो मैं क्या कि केक वेक नहीं लेके जाना, मैं दो ऐसे चॉकलेट लेके आया कि जो हमने एक्चुअल में अभी तक खाई नहीं थी, तो वो मैंने ट्राई करने के लिए ले आया सबके लिए। तो सनी ने सबको खिला दिया, हमने भी खा लिया। द ग्रेजुएशन डे एंडेड वेल, स्टार्टेड आल्सो वेल। काफी जल्दी गया था तू? जल्दी गया ही इसलिए था क्योंकि मेरे को पता था मेरे को बीच से वहां जाना पड़ेगा, फिर वहां से वापस आके पूरा काम मैनेज करना, वो सब मेरी स्ट्रेटजी थी, समझ रहा है स्ट्रेटजी। तो आई होप यू गाइस एंजॉयड द व्लॉग। और वंस अगेन मेरे दोस्त लोग को बहुत बहुत शुक्रिया मेरे को 3 साल सपोर्ट करने के लिए। अगर आप मेरे दोस्त हो जिसने मेरे को इस कॉलेज टाइम में सपोर्ट किया है, तो थैंक यू वेरी मच, आई ओ यू अ लॉट। तो जिंदगी में कभी भी जादू की जरूरत पड़े तो बस एक फोन घुमा देना, भाई हाजिर हो जाएगा। हाँ बस वीकडेज में मत लगाना क्योंकि मैं ऑफिस जाता हूँ, और वीकेंड्स को भी मत लगाना क्योंकि मैं एडिट कर रहा होता हूँ, उसके बाद कभी भी लगा सकते हो। आई होप यू गाइस एंजॉयड द ब्लॉग। और हाँ, अगर आप लोग को मेरे को कॉन्ग्रेचुलेट करना है कॉमेंट्स करो, मुझे अच्छा लगेगा। ठीक है, विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन, तब तक के लिए पीस आउट। ये पास कैसे हुआ? पेपर रीचेक प्लीज।